जो उसे किया ना उसके बाद उसको तलाक ही देनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप एक काम करें, मुझ में ना एक चिप लगवा दे और उसका रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लें, फिर आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी तो कोई सोच नहीं होगी। सलमान मत भूलो कि अभी भी सब कुछ उरूज का है। उरूज की जिंदगी से निकलने का मतलब है कि सब कुछ खो दिया। उस थक्के का हिसाब लेकर आई हूं मैं। तुम क्या कर रही हो उरूज? क्या किया है तुमने? सबक सिखाया है उसे। धक्के का हिसाब थप्पड़ से लिया है मैंने। तुम्हें क्या लगता है रूज, तुम जीत गई और मैं हार गया? नहीं, ये भूल है तुम्हारी। इस थप्पड़ का बदला मैं लूंगा और प्रॉफिट के साथ लूंगा, फिर तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। क्या किया है मैंने जो माफी मांगू? बेटा तुम बड़ेपन का मुजाहरा करो, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे। गए थे ना आप उसके पास, देखा नहीं था उसका रवैया आपने? मैं अब भी मायूस नहीं। सलमान जज्बाती है बस। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू जिद कर दिया। तुम्हारा मेहमान नवाजी हमें याद रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती कभी दूसरा गलती से ठीक नहीं होती। बादल को बरामद करा के दो जैसा तुम्हारा बड़ों ने कहा है, और अब जो गलती चनार खान करेगा ना, फिर कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। कि चनार और तराब खान तुमको पागलों की तरह ढूंढ रहे। चनार खान, हमको ये बताओ उन्होंने तुमको छोड़ा कैसे? छोड़ना तो था ही चंदुल खान। बादल खान, या तो तुम ये इलाका छोड़ दो या जो करना है जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे करीब गहरा तंग हो रहा है। चनार खान, इस बात पे सोचो, गुलाब खान बाबा को फोन क्यों कर रहा था और तुमको भी? ऐसा क्या बात करना चाहता था वो कि बाबा की तरफ ऐसा भागा के पहुंच भी नहीं सका? दुश्मन ने उसे रास्ते में ही बाबा आगे नहीं पीछे देखने का जरूरत। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने घर वालों को धोखा दिया और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? शुक्र करो, जिस तरह इस घर में आई थी उसी तरह वापस जा रही हूँ। तुम्हारे साथ किसी किस्म की मैंने कोई ज्यादती नहीं की। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकल पा रही। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बस बहुत हो गया। अब अगर थप्पड़ मारोगी ना तो थप्पड़ खाओगी भी। इसको कमरे में बंद कर दे 2-3 दिन के लिए, यही छोड़ दे, खुद इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हमारा बुरा वक्त तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जब तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा ना तो वो तुम सबके साथ ही खत्म होगा।
अगर फाइज को किसी किस्म की कोई गलतफहमी हुई है तो हमें उससे बात करके इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा ही कसूर। पहाड़ की बुलंदी से जमीन के नीचे आ गिरा हुआ है, मुझे पाँव फिसलने का ताना देंगे तो फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। समझ में नहीं आती भाई, हमारा क्या कसूर था? हमने किया है, हमने मोटरसाइकिल को धक्का दिया था, क्या किया हमने? हमारी जिम्मेदारी है ये हादसा। फाइज के गैर मौजूदगी में हरीम आई थी और अपना सारा सामान ले गई है। खुद तो मर सकती हूँ लेकिन एक मासूम का कत्ल नहीं कर सकती। और इसी जवाब ने मुझे जीने पर मजबूर। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। माने ना माने ना दिल, माने ना माने दिल के तू मेरा नहीं। अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ पैर जल रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं जी तो लग रही हूँ ना? बड़ी तो हो गई है लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए? और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर साहब, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना। लोगों को मुश्किलों से लड़वाना, हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। माने ना माने ना दिल, माने ना माने दिल।